काशी शहर में उस पवित्र धरती में लहर तारा नामक एक सरोवर है, तालाब है, उसके अंदर विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट हुए। सतलोक से चलकर आए थे, परमेश्वर का निज धाम वो सनातन परम धाम है, सतलोक है, वहाँ से गति करके वो परमेश्वर यहाँ आते हैं। ये उनकी लीला है और यहाँ आकर के वो कुछ समय के लिए रहते हैं इस पृथ्वी लोक पर, काल के लोक में पृथ्वी पर, और उस समय जब वो परमेश्वर नवजात शिशु का रूप धारण करके स्वयं प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, उस समय वे एक जन साधारण जैसा जीवन निर्वाह करने की लीला करते हैं, भूमिका करते हैं। जो लीलाएं परमेश्वर कबीर देव जी ने की हुई हैं, कबीर साहब ने की हैं, वैसी ही लीलाओं का वर्णन के परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ऐसी लीलाएं करता है, ये पवित्र वेदों में वर्णित है। पवित्र वेद परमात्मा का विधान है, परमात्मा की महिमा के विषय में जानकारी देते हैं। पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, एक पांचवा वेद है सूक्ष्म वेद। एक पांचवा वेद सूक्ष्म वेद है जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वह वेद परमात्मा ने इन चारों वेदों के साथ ही इस काल को दिया था, ब्रह्म को दिया था। इस ब्रह्म ने चार वेदों को तो प्रकट कर दिया, पांचवें सूक्ष्म वेद को नष्ट कर दिया, छुपा दिया। उस सूक्ष्म वेद को अर्थात तत्व ज्ञान को पुनः प्रकट करने के लिए, पुनः प्रदान करने के लिए स्वयं परमेश्वर ही आते हैं, अपनी महिमा को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वे स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। और अपने ही पाने की यानी हमारे को काल के जाल से छूटने की विधि भी, अर्थात सतलोक जाने की विधि भी वो परमेश्वर स्वयं ही बताते हैं। उसी आधार से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, क्योंकि वे हमारे परमात्मा, हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्यपुरुष अर्थात कबीर देव जी हमारे पिता हैं और अपने बच्चों का हित अपने ही किया करते हैं, यानी अपने माता पिता ही अधिक ध्यान देते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ कितना बुरा हाल है इस जीव का, कोई कुत्ता बनकर कष्ट उठा रहा है, कोई गधा बनकर, कोई बैल बनकर, कोई गंदी नाली का कीड़ा बनकर। मनुष्य जीवन में आप देख रहे हो क्या हालत है इस जीव की। पुण्यात्मा, यदि परमात्मा की कुछ भूल पड़े तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में, मेडिकल में एक चक्कर लगा लिया करो और वहाँ देख क्या हाहाकार मचा हुआ है। किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट है, किसी का कोई रोग है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई तड़फ रहे हैं। और शेष आप देख रहे हो अपने जीवन में किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई टेंशन है, या कोई प्राणी सुखी नहीं है। परमात्मा कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, भाई सकल जबी नाकाल का कुछ मुख में कुछ गोद है। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि मानुष जन्म पाके
जय नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या का। अपुण्य आत्माओं, परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये तुम्हारा अपना स्थान नहीं है, और जिसको तुम अपना भगवान मान रहे हो, स्वामी मानते हो काल को, ये तुम्हारा स्वामी नहीं है, ये तुम्हारा हमदर्द नहीं है, ये तुम्हारा शत्रु है, और तुम इस शत्रु को मित्र मान रहे हो। अपुण्यात्माओं, यहाँ जो दशा जीव की है, प्रत्येक प्राणी कितना कष्ट उठा रहा है, किसी को चैन नहीं, सपने में भी चैन नहीं इस प्राणी को, चाहे प्रधानमंत्री बना हो किसी देश का, और आम व्यक्ति का तो कहना है क्या है, क्योंकि हम राजा को ज्यादा सुखी मानते हैं, कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर सुखी नहीं है, लेकिन इस झूठे सुख को ही हमने सुख मान लिया, तो ये कारण क्या है। परमात्मा को दयालु कहते हैं, और यदि परमात्मा दयालु है तो ऐसे कर ऐसे जुल्म जो आज जीव पर हो रहे हैं, तो ये दयालु परमात्मा की डेफिनेशन समाप्त हो जाती है। जो हमारा पिता है, हमारा अपना है, वो कबीर देव है, और उसका लोक सतलोक है, हम वहाँ रहते थे, वहाँ कोई कष्ट नहीं था, ना मृत्यु थी, ना बुढ़ापा था, कोई अंग भंग नहीं होता था, और वहाँ किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं, ना कोई भाई बंटवारा है, परमात्मा के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं, अभाव नहीं, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ पौधे हैं, वहाँ का सब अमृत आहार है, वहाँ का जल भी अमृत है, जैसे पवित्र गंगा जी, पवित्र गंगा का जो जल है ये सतलोक से आया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल है आप जी के लिए कि ये जल आप कहीं रख लो, कितने दिन तक रख लो, ये कभी खराब नहीं होता, और ये गंगा सतलोक से आई, ये विष्णु जी के धाम में, उसके बाद फिर भगवान शिव जी के धाम में, और शिव जी के धाम से फिर यहाँ पर आई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस लोक में ऐसे दूधों के सरोवर भरे हैं, समुद्र हैं, क्षीर समुद्र, दूधों के सरोवर भरे हैं, समुद्र भरे हैं, वो खराब नहीं होता दूध, और फलदार वृक्ष हैं, वहाँ ऐसा ही जीवन है जैसा आप यहाँ मनु शरीर है, ऐसा ही मानव शरीर आपको वहाँ मिलेगा, आपका वहाँ शरीर जो है 16 सूर्य जितनी रोशनी वाला नूरी होगा, उसका इतना सुंदर नूर होगा जैसे 16 सूर्य का प्रकाश हो पर गर्मी ना हो उसमें, और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का वहाँ भी मनुष्य जैसा ही शरीर है, पर उसकी उनका तेज बहुत अधिक है, एक रोम कूप में, एक रोम कूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा के एक रोम कूप की रोशनी अधिक है, इतना नूरी शरीर है परमेश्वर का, पूर्ण ब्रह्म का, सत्य पुरुष का, कबीर देव का। तो पुण्यात्मा, हमने यहां से तो मरना पड़ेगा, ये तो कोई माने या ना माने, यहां से मृत्यु अवश्य होगी। एक विचार करना कि आपकी यहां मृत्यु होगी, और जिस वस्तु को, जिस परिवार को आप अपना मानकर यहाँ सेट हो गए हो, आप स्थित हैं, आप निश्चिंत हुए बैठे हो, आपकी मृत्यु के उपरांत
ये आपका परिवार आपका नहीं है। हो सकता संस्कारवश आपकी मृत्यु के उपरांत आपका पुनर्जन्म नाइजीरिया में हो जावे। एक देश है नाइजीरिया जहाँ काले काले से और उसे दूसरी टाइप का आहार व बोली भी और तरह की, क्योंकि हमारे संस्कार रले मिले हैं। जब सतयुग प्रारंभ होता है उसमें कोई मजहब धर्म नहीं होता, अभी भी द्वापर तक भी कोई अलग धर्म नहीं थे। द्वापर के बाद कलयुग में इस काल ने ये खेल खेला, हमारे को डिवाइड कर दिया। तो आज कोई मुसलमान बना है तो वो हिंदू को अच्छा नहीं मानता, यानी धार्मिक आधार से, और हिंदू हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं मानते धार्मिक आधार से, और हम अपने अपने धर्म में और अपने ही ग्रुप में सर्वोत्तम मानते हैं अपने आप को। तो आज कोई हिंदू है मृत्यु के उपरांत वो मुसलमान के घर जन्म ले सकता है, आज कोई मुसलमान है तो मृत्यु के उपरांत वो हिंदू के घर में जन्म ले सकता है। परमात्मा का विधान है, कोई मानने चाहे ना माने। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ से जिसको आज आप अपना मान बैठे हो ये आपका नहीं है, ये आपने मानना पड़ेगा। तो ये सोच लो कि जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो अपना है, इसमें एक ऐसे समझ लो कि हम एक रेल के कंपार्टमेंट में बैठे हैं और हम सफ़र कर रहे हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं तो वहाँ एक बहुत प्यार से रहते हैं, और जैसे कोई वृद्ध है, कोई रोगी है, कोई बहन है, तो उनको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है और ट्रेन रुकती है किसी स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए, तो किसी से कुछ प्रार्थना करते हैं वृद्ध या रोगी, तो तुरंत वह बैठे कंपार्टमेंट में उनकी पूरी सेवा करते हैं। भाग कर कोई फल लाना है, कोई चाय लानी है, अर्थात एक बहुत ही अच्छे शिष्टाचार से रहते हैं, और जिनका जहाँ स्टेशन आता है वो उतर कर चले जाते हैं। तो हमने इस प्रकार समझ कर रहना पड़ेगा यहाँ पर कि जब तक हमारा स्टेशन नहीं आता तब तक हम इसी कंपार्टमेंट में रहें और प्यार के साथ रहें, हमदर्दी जताएं, हैं जैसे भी एक परिवार हमारा कंपार्टमेंट समझ लो, एक डिब्बा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को इतना ज्ञान अवश्य रहेगा कि ये मेरा नहीं है। तो फिर हमने आगे का जो ध्यान करना है भी कहाँ जाना है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से चलता है और कहीं उसने जाना है दूसरे शहर में, जाने से पहले वो अपना ठिकाना निश्चित करता है, चाहे वो ये भी सोच कर चले कि वहाँ मैं कोई धर्मशाला या होटल में कमरा लेकर रह लूँगा, तो अवश्य कोई निश्चित करके चलता है, पूरा टूर प्रोग्राम बनाता है। परमात्मा कहते हैं तुम जब संसार छोड़कर जाओगे तुमने कहीं कोई ठिकाना सोचा है कि इसके बाद तुम कहाँ सटे करोगे, कहाँ विश्राम होगा तुम्हारा। ये भी एक बहुत भूल है हमारी। तो अब हम अपना ठिकाना बना कर चलेंगे और वो ठिकाना परमानेंट होगा। अब यहाँ से छूटने के बाद हम सतलोक जाएंगे। हमारी जो आशा है मृत्यु तो होगी, और जब रजा होगी दाता की वो उनकी कृपा से ही हम शरीर छोड़ेंगे। वैसे काल का ही हमारे ऊपर कोई लेन देन नहीं रहा, उसका हमारा कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन परमात्मा ये देखेंगे कि तुम इस जीवन में परमात्मा पाने योग्य भक्ति कर भी सकते हो कि नहीं, क्योंकि अब ये पीक टाइम आ गया भक्ति का, और आप जी को मनुष्य जीवन प्राप्त है, और इस परमेश्वर की भक्ति करने से कुछ दिन के बाद आपको घना सुख हो जाएगा, ये नकली सुख इस संसार का। फिर आप जी क्या करोगे,